हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेक्टर एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं विकास शर्मा आज आपके सामने पार्ट थ्री लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अर्थमेटिक प्रैक्टिस की एक सीरीज चला रहा हूं, जो कि आपके लिए बैंकिंग के लिए और बाकी सभी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए एक और है कि आपका जो RRB के पेपर होने, असिस्टेंट का और तुम्हारा PO का, तो उन दोनों का ही आपकी डेट आ चुकी है, टेंटेटिव डेट। यानी कि टेंटेटिव डेट का मतलब ये है कि वो हमेशा IBPS टेंटेटिव ही लिख कर देता है, लेकिन अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि चेंज नहीं होगा। तो आपके जो पेपर हैं वो आ गए हैं, आप उसको IBPS की साइट पर जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपके जागने का समय अब आ चुका है। चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, sold a chair to be at 60% profit, B further sold it to C at 25% profit, and C further sold it to D at 20% profit. If difference in cost price of chair of B and D is rupees 600, then find profit earned by A on selling the chair of 2B. इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम सबसे पहले क्या माने। जैसे सबसे पहले A ने B को बेचा, तो ए की वैल्यू को क्या सपोज करें, एक्स करेंगे तो फंस जाएंगे, 100 करेंगे तो फंस जाएंगे, तो ऐसी क्या वैल्यू सपोज करें। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका, आप इस केस में क्या किया करो, जितने भी परसेंटेज लिखे हुए हैं ना, जैसे 60% लिखा हुआ है, तो 60% का फ्रैक्शन फॉर्म लिख लो। तो 60% का फ्रैक्शन फॉर्म होगा आपका 3/5। क्लियर है बात इतनी आपको। इसी तरीके से आपका 25 का लिखा हुआ है, तो 25 का लिख लो, 25 का आपका कितना बनेगा, 1/4, ठीक है। इसी तरीके से लिखा हुआ है 20, तो 20% का लिख लो, 20% का कितना बनेगा, 1/5। तो अब आप क्या करो, इनके जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, उस डिनोमिनेटर की वैल्यू का मल्टीपल को ही आप क्या करो, हमेशा सपोज करो। तो 5, 5 और 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 25 × 4, 100, यानी कि 100 मानने पर हमारा यहां पर काम हो जाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए है, उसकी कीमत 100 रुपए थी, ए ने इसे बी को बेचा 60% के प्रॉफिट पे, तो बी को ये चीज मिल गई कितने में, 160। अब बी ने इसको सी को सेल किया कितने पे, 25% प्रॉफिट पे, तो सी को ये कितने में मिल जाएगी, 160 का 25%, यानी कि कितना हो जाएगा, 200। क्लियर है बात इतनी आपको। एंड सी फर्दर सोल्ड इट टू डी, सी ने डी को इसको सेल किया, तो इसने कितने में सेल किया, 20% प्रॉफिट में, तो 200 का 20% कितना निकल के आ जाएगा आपका, 40, यानी कि 240। क्लियर हो रही है इतनी बात आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ डिफरेंस इन कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर ऑफ बी एंड डी, तो बी और डी इनका डिफरेंस कितना है, हमारे पास 80 है, जो कि कितना दिया गया है, 600 दिया गया है। तो फाइंड प्रॉफिट अर्न बाई ए ऑन सेलिंग द चेयर टू बी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस कंडीशन में, जब ए ऑन सेलिंग द चेयर टू बी, ए ने बी को चेयर बेची, तब उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है। तो देखिए 80 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है निकल के, 600, और जब ए बी को बेच रहा है तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 60 आनी चाहिए। यहां पर कितनी आनी चाहिए, 60, यानी कि उसे 60 का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो 80 की 600 वैल्यू दी गई है, तो आप यहां पर 60 की बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 600/80 × 60, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से इसे कैंसिल करो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 450, कितना आ जाएगा, 450। यानी कि हमको एक बात समझ में आ गई कि उससे 450 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है, ऑप्शन यहाँ गलत है। तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा, 450 रुपए का, तो 450 रुपए का प्रॉफिट होगा, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। उसने यही पूछा एक्चुअली में कि अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए बी को कुर्सी बेचने पर ए द्वारा, ए को कितना लाभ होगा जब वो बी को कुर्सी बेचता है। तो अगर वो परसेंटेज में ही पूछेगा तो आंसर में कोई दिक्कत ही नहीं है, यही आ जाएगा ना, फिर तो कोई अंतर ही नहीं हुआ ना आंसर निकालने में। तो इसने रुपए में पूछा होगा, तो इसका आंसर होगा 440। क्लियर है, समझ रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट, ये ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, टैप ए फिल ए टैंक इन 20 मिनट, व्हाइल टैप सी एम्प्टी इट एट 1/3 द रेट एट विच ए फिल। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए 20 मिनट में कोई टैंक भरता है, और एक सी भाई साहब हैं
वो क्या करते हैं, 1/3 से इसे खाली करते हैं, इसकी एफिशिएंसी के 1/3 से। एफिशिएंसी जब कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, इनकी 1/3 एफिशिएंसी कम है तो टाइम 1/3 गुना ज्यादा लगेगा, तो इसको कितना लगता होगा, 60 मिनट लगता होगा इसे खाली करने में। क्लियर है? मैं अगर यहां से ले लूं तो ये टोटल कैपेसिटी 60 आ गई, ये हमारी हो गई टोटल कैपेसिटी। क्लियर है बात आपको? अब देखो 20 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा, प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये भरने वाला है, ये माइनस में आएगा, ये खाली करने वाला है। अब उसने क्या कहा, 50% को भरने में तो दोनों ही साथ में काम करते हैं, तो 60 का 50% कितना हो जाएगा, 30। और इस 30 को जब दोनों लोग मिलकर करेंगे तो दो के हिसाब से करेंगे तो इनको कितना समय लगेगा, 15 मिनट। अब क्या हुआ, जो 50% भर गया उसे ए बंद कर, अब ए को बंद कर दिया तो केवल सी अकेला काम करेगा, तो उसे खाली करने में सी अलोन, तो टाइम ऑफ सी, सी को कितना टाइम लगेगा, अब कितना खाली करना, ओनली 30 खाली करना है, ठीक है, ना कि पूरा 60 करना है, 30 करना है, ठीक है। और इसको एक की एफिशिएंसी से करेगा तो इसे कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा। क्लियर हुई बात आपको? तो ये बताओ किस समय टैंक खाली हो जाएगा, तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, शुरुआत हुई थी 12 बजे, 12 बजे शुरू हुआ काम, पहले 15 मिनट लगे, फिर 30 मिनट लगे, तो नाउ टोटल टाइम कितना लग गया आपका, टोटल टाइम लग गया 12:45। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को किस तरीके से करना है आपको इस तरीके के क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़नी थी और आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, देखिए, एक आदमी के पास 5 टेलीविजन और 7 रेडियो, यानी कि ए मैन हैज 5 टेलीविजन एंड 7 रेडियोस विच कॉस्ट टोटल ऑफ रुपीज 58,500। ही सेल्स द टेलीविजन एट द प्रॉफिट ऑफ 10% एंड रेडियो एट द प्रॉफिट ऑफ 16%। ही गेंस टोटल ऑफ रुपीज 7,312.5 ऑन होल ट्रांजेक्शन। व्हाट इज टोटल प्राइस ही पेड ऑफ वन टीवी एंड 1 रेडियो। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आता है जहां पर किसी का अलग अलग प्रॉफिट दिया जाए, टोटल प्रॉफिट दिया जाए, अलग अलग लॉस दिया जाए, टोटल लॉस दिया जाए, अलग अलग डिस्काउंट दिया जाए, टोटल डिस्काउंट दिया जाए, अलग अलग एवरेज दिया जाए, टोटल एवरेज दिया जाए, तो बिना सोचे समझे एलिगेशन लगा दो, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो हम यहां लिख लेते हैं, हमको क्या क्या दिया गया, हमको टेलीविजन दिया गया, हमको क्या दिया गया, हमको रेडियो दिया गया। टेलीविजन पे कितने का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है, और रेडियो पे कितने का प्रॉफिट है, 16% का प्रॉफिट है। क्लियर है बात, ठीक है। अब हमको ये टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमको 7312.5 / 58500, यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर है इतनी बात आपको, कोई समस्या नहीं। अब इसका हम निकाल देते हैं परसेंटेज, तो इंटू 100 कर दो, तो जीरो से दो जीरो गए, 5850 आ गया। अब इसको हम क्या करें, हम कैंसिल कर देते हैं इसको, कितने से, 13 से, 13 से करो तो ये कितनी बार जाएगा, 4 और 5 और 0, इसको करो 5 65, ठीक है, और 65 के बाद 8 बचा 78, ठीक है। अब यहां से कितना बचेगा, 3 बचा तो 32 26 और 65। क्लियर इतनी बार। अब आप इसे कैंसिल कर दो कितने से, 9 से, 50 54, यानी कि 54, 2 बच गया, 18, ठीक है। अब इसको कर दो 5 से, 1 2 5, और ये जीरो हटेगा तो यहां कितना आ जाएगा, पॉइंट। क्लियर है, तो कितना निकल के आ गया डियर, 12.5% इज होल प्रॉफिट ऑफ बोथ आइटम्स, ठीक है, ये आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब इसको हम एलिगेशन लगा देंगे जो कि आपको आता है, 16 में से 12.5 जाएगा तो 3.5 यहां बचेगा, और 10 में से यहां से आएगा तो 2.5 बचेगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5। क्लियर हुई बात। हमेशा याद रखिएगा नीचे जो रेशियो आता है वो उस चीज का आता है जिसके कंपेयर में हम, जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। प्रॉफिट को किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, सीपी को। टेलीविजन का सीपी 7 आया, तब रेडियो का सीपी 5 आया। तो एक बात बताओ, दोनों का मिलाकर सीपी कितना, 7 + 5 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 12
तो 12 रेशियो की वैल्यू आपको दी गई है 58500, क्लियर है बात आपको। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 58500 डिवाइडेड बाय 12, 12 से करो तो कितनी बार जाएगा, 12 और 4 48, 12 और 4 48, 10 बचेगा 105, 12 8 96, ठीक है 9 90 हो गया, 12 7 84, 12 5 60, 4875, ये आ गया एक रेशियो की वैल्यू। अब हमको 7 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 7 रेशियो की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 7 × 4875, 5 की आ जाएगी 5 × 4875। अब एक बात यहां पर आप मुझे बता दीजिए बड़े आराम से कि अब हमसे ये पूछा गया है कि एक एक की वैल्यू बतानी है, एक टीवी और एक रेडियो की वैल्यू हमको यहां पर बतानी है। तो देखो बड़े आसानी से निकल के आ जाएगा यहां पे, ठीक देखो कैसे आएगा। अगर मैं यहां पर, ये तो 7 की वैल्यू हो गई ना, 7 रेडियो, 7 टेलीविजन की, ये हो गई हमारी 5 रेडियो की, एक की निकालनी है तो एक टेलीविजन की हो जाएगी हमारी 7 × 4875 डिवाइडेड बाय 7, कितने टेली, 5 टेलीविजन है, सॉरी 5 टेलीविजन है तो यहां 5 आ जाएगा और 7 रेडियो है तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 × 4875 डिवाइडेड बाय 7, क्लियर है इतनी बात आपको, कोई समस्या नहीं होगी यहां तक तो ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखो ऐड कैसे कर देंगे, समझो यहां समझ लेते हैं, अब 5 से इसको कैंसिल करो तो ये कितनी बार जाएगा, 9 45, 3 बचा 7 और 5, इससे 7 से कैंसिल करो 42, ठीक है 6 बचा 63, ठीक है अब यहां से 63 की बात 7 है ना, 7 से इसको किया 6 42, 6 था 67, 7 9 63, 63 के बाद बचा कितना 4 45, तो अब 7 से फिर से कर दो 42 पॉइंट, 3 बचा 28 28, फिर 2 बचा 14, यानी कि 696.4 इतना निकल के आया। इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर बनेगा, इसमें 7 का होगा तो हमारा, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, देखो अब इनको ऐड कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम ऐड करेंगे तो 7 × 4875 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है तो इसका मल्टीप्लाई हमारा कितना बनेगा देख लो, 7 5 35, 5 बचा 3 कैरी आया, 7 7 49, 2 बचा 5 कैरी आया, 7 9 63, 63 और 5 कितना हो जाएगा 68, और इसी में हम इसको जोड़ देते हैं तो 696.4 ही ले लेते हैं, सिर्फ 2 तक लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 और 4 0, तो 0 तो पॉइंट से हट गया, 2 बच गया, 6 और 5 30, 30 के बाद 2 आ गया, 3 कैरी बचा, और 9 5 45, 48 आ गया, 4 कैरी बचा, 30 34, क्लियर है बात आपको। अब इसको जोड़ दो, 5 और 2 7, 8 और 2 10 0, 8 4 12 3, 6 3 9 1 10, नाउ आंसर बिकम्स 10307, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। अच्छा इस कैलकुलेशन को भी आसान बनाया जा सकता था, ऐसा नहीं है, इस कैलकुलेशन को भी आसान बनाया जा सकता था। कैसे आसान बनाया जा सकता था, देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको बाद में कोई वीडियो लेकर आऊंगा, वहां आपको कैलकुलेशन में समझा दूंगा इस चीज को, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी आ रही है, इसलिए इतना कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ जाएगी, क्लियर है। चलिए गॉट इट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ पी और क्यू मिलकर 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, पी और आर को क्यू और आर के समान कार्य को पूरा करने में 2 दिन अधिक लगते हैं, ठीक है, और अब हमको बताना है कि पी और क्यू और आर को कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो पी कितने दिनों में इसे अलग से समाप्त कर देगा। तो देखो ऐसा मान लो, हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास जो वर्क है वो 60 है, ठीक है, अब पी प्लस क्यू है, पी प्लस क्यू ये 15 दिनों में करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, P प्लस क्यू प्लस आर हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी
आठ में करते हैं ना ये, तो आठ में करते हैं तो ये आ जाएगी 7.5। क्लियर है बात आपको? अब उसने हमसे एक हिंट दी है, हमसे उसने बोला है पी और आर को क्यू और आर के समान कार्य को पूरा करने में 2 दिन अधिक लगते हैं। तो अगर पी प्लस आर है इसे एक्स प्लस 2 डेज लगेंगे, उस कंडीशन में क्यू और आर को सिर्फ एक्स डेज ही लगेंगे। क्लियर है बात इतनी आपको? ठीक है, अब मैं अगर यहां पर पी और क्यू की वैल्यू को ये चार यहां पर रखूं तो आर इक्वल टू यहां डियर कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारा 3.5। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या होगी नहीं, लेकिन उसने पी कितने दिनों में से अलग से पूरा करेगा ये चीज उसने हमसे पूछ दी है। तो देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, समझिए। अब एक बात बताओ, जब तक मेरे पास पी और क्यू की अलग से एफिशिएंसी निकल कर नहीं आएगी तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान नहीं होगा। बस ये पता है कि पी और आर को क्यू और आर से 2 दिन ज्यादा लगते हैं, पी और आर को क्यू और आर से 2 दिन ज्यादा लगते हैं, तो हिटिन ट्रायल पे आ जाओ आप। हिटिन ट्रायल क्या होगा? देखो हिटिन ट्रायल की अगर मैं बात करूं तो जैसे 60 काम है, अगर ये कौन, अगर ये 5 दिन में पूरा करें, 5 दिन में, सॉरी 5 की एफिशिएंसी से पूरा करें तो 12 दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, अगर ये 6 की एफिशिएंसी से काम पूरा करें तो 10 दिन में होगा। यानी कि हमको एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं यहां पर P प्लस R की एफिशिएंसी को 5 ले लूं तो 12 दिन में काम पूरा होगा, अगर मैं Q प्लस R की एफिशिएंसी को 6 ले लूं तो काम 10 दिन में होगा। आप सोच रहे होगे सर ऐसा कैसे हम लेके चलें? तो देखो डियर क्यों लेकर चलोगे अब आप ऐसा, आपको पता है कि R की एफिशिएंसी तो हमारी 3.5 आ गई। अगर मैं इसमें से 3.5 हटाऊं तो P प्लस Q की एफिशिएंसी हमारी कितनी बचेगी, 4। तो अब 4 से ज्यादा पे ही सोचो आप, P प्लस क्यू हमारी 4 है तो उससे ज्यादा पे ही सोचो आप, तो 5 मान के चलो पहले। अगर 5 एफिशिएंसी है तो इसे 12 दिन लगेंगे, अगर इसकी 6 एफिशिएंसी से तो 10 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि P प्लस आर की एफिशिएंसी 5, Q प्लस आर की एफिशिएंसी 6। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे डियर, अगर यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से अब आपको एक चीज पता चल गई कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, P प्लस आर और Q प्लस आर को, तो मुझे पता चलेगा यहां से P माइनस क्यू ये कितना बनेगा, 2, सॉरी 1, और पी प्लस क्यू कितना दिया गया है डियर, 4। हम इजीली निकाल सकते हैं पी इक्वल टू कितना निकलेगा, 2.5, और क्यू इक्वल टू कितना निकलेगा डियर, यहां पर क्यू इक्वल टू निकलेगा आपका 1.5। तो पी की एफिशिएंसी निकल के आ गई 2.5 और क्यू की एफिशिएंसी निकल के आ गई 1.5। क्लियर है इतनी बात आपको, कोई समस्या नहीं। अब पी की एफिशिएंसी 2.5 जो निकल के आई है उससे काम करने में इसे कितना समय लगेगा, तो टोटल काम है कितना, तो टाइम लगेगा पी को 60/2.5, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 चला जाएगा डियर, तो 5 और 4 100 24, यानी कि ये आंसर निकल के आ जाएगा 24 दिन। नाउ ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात आपको, समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन किया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए मिक्सचर कंटेंट मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:2 फ्रॉम दिस, 11 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, 5 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड, अगेन 16 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, ऑफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 11:9, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो देखो बड़े ध्यान से समझो, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप ऑप्शन उठा लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं ऑप्शन उठाता हूं ए, ए ऑप्शन उठाया, मैं मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में उसके पास 66 था टोटल। ठीक है, अगर ये 66 था स्टार्टिंग में तो 9:2 के रेशियो में बांट दो इसको, तो 11 से भाग करेंगे अगर हम इसे तो ये कितना बनेगा हमारा, 54, और ये कितना बनेगा, 12। ये तो मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया इनिशियली। अगर 55 लेकर चलेंगे तो ये कितना बनेगा, 45 डियर, और ये कितना बनेगा, 10।
और इसको लेकर चलेंगे तो कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा है, इसको लेकर चलेंगे तो हो ही नहीं रहा है, तो यानी कि इनको अभी नहीं देखेंगे हम, ठीक है। इन दोनों पे बात करते हैं। अब 54-12 की अगर बात आ रही है यहां पर, तो उसने क्या क्या 11 लीटर मिश्रण से 5 लीटर पानी निकाला जाता है, नहीं सॉरी ऊपर पढ़ो, ये लैंग्वेज थोड़ी सी सही नहीं लिखी है हिंदी में, इंग्लिश वाली पढ़ो। 11 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। 11 लीटर मिक्सचर निकाला गया, एक बात बताओ जब 11 लीटर में 11 लीटर मिक्सचर निकाला जाएगा तो मिल्क कितना निकल आएगा, 9, और वाटर कितना निकल जाएगा, 2, ठीक है। तो 11 लीटर में मिल्क निकल जाएगा 9 और वाटर निकल जाएगा 2, क्लियर है इतनी बात आपको, कोई समस्या नहीं ना। अब ये बताओ तो ये कितना बचा, इसमें से 9 निकल गया, इसमें से 2 निकल गया, लेकिन ये 5 ऐड भी तो हो गया, तो ये कितना बचेगा, 45, और ये कितना बनेगा यहां पर, प्लस 3 कर देंगे तो 15, क्लियर इतनी बात आपको, कोई समस्या नहीं। अगेन अगेन देखो, अब उसने कहा अगेन 16 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड। अब इसमें से 16 लीटर निकाल दिया उसने इसमें से, तो एक बात बताओ, अब आपके पास 15 और 45 है ना, तो इसमें से अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा, 9:3, और 9:3 के हिसाब से अगर मैं निकालने जाऊं 16 लीटर, तो देखो 16 लीटर का 9:3 करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 12, और यहां ऊपर आ जाएगा 16, ठीक है, 9। इसी तरीके से 16/12 × 3, तो ये 4, तो ये 4, यानी कि 4 यहां से निकल जाएगा और 3 12 यहां से निकल जाएगा, यानी कि 12 इसमें से निकल गया, ठीक है, और इसमें से कितना निकल गया, 4, लेकिन इसमें 5 ऐड भी कर दिया, तो इसमें कितना बचेगा, 45 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 33, और इसमें से कितना बचेगा, इसमें से बचेगा 16। अब देखो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड, यानी कि आपने इसमें से कितना निकाला, 16 लीटर टोटल निकाला और 16 ही इसमें पानी मिला दिया, तो ये कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। अब रेशियो देखो कितना बन रहा है, 3 से कैंसिल करो तो ये 11 और ये कितना, 9। नाउ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सो एन आंसर विल बी 66। अब सपोज दैट आपको नहीं, आपने कहीं बी पहले ऑप्शन दिया जाता तो बी उठाते ना आप, अगर बी उठाते तो कैसे होता, फिर से समझो, अगर बी उठाते आप यहां पर तो ये क्या हो जाता, ये कन्वर्ट हो जाता हमारा किसमें, 45 में, और ये कितने में चला जाता, 45, और यहां से अगर मैं देखता तो 9:2 के रेशियो में कर रहे हैं ना, तो ये 10 में चला जाता। अब इसमें से हमारा कितना निकाला जाता, 11 लीटर, तो 9 इसमें से चला जाता निकल के और 2 इसमें से निकल जाता और 5 इसको मिला देते हम, तो ये कितना बन जाता हमारा, ये बन जाता 36, और ये कितना बन जाता हमारा, ये कितना बन जाता हमारा 13। अब ये आ जाता 36:13। अब फर्स्ट हम यहीं जाते, अब आप एक चीज देखो 36:13 निकल कर आ रहा है, अब इसमें से जब हम 16 लीटर निकालेंगे तो क्या ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो आपको यही समझ में आ जाना कि चाहिए कि ये नहीं कर पाएंगे हम। अब ऐसे 45 पे आओगे तो यही हम फंस गए, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 66 आ गया। दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन को अगर करना है आपको, तो इससे अच्छी अप्रोच आपकी नहीं होगी, क्लियर है बात आपको। और पेपर में भी आपको इसी तरीके, वैसे काफी लेंदी हो जाएगा उस तरीकों की भी, जब हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट सीरीज लेकर आएंगे तो वहां समझाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए कंपनी विद 2500 एम्प्लॉयज इन्वेस्ट रुपीज एक्स करोड़ ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, दे अर्न अ प्रोजेक्ट ऑफ 40%, 10% ऑफ द प्रॉफिट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन द डेट, दैट द कंपनी हैज 20% ऑफ द नेट इनकम आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट इज पेड एज टैक्स, 80% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज क्रेडिटेड टू कंपनीज अकाउंट, 50% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि इसको पढ़ते जाओ करते जाओ, ऐसा क्वेश्चन है इसमें, मतलब कोई लॉजिक नहीं है स्पेशली, करते जाओ आंसर। देखो कैसे, सबसे पहले आप सपोज कर लो इसमें कि कंपनी का टोटल जो एक्स की वैल्यू है, तो मैं ए यानी कि कंपनी की टोटल 100 एक्स मान लेता हूं, 100 एक्स करो, ठीक। अब इसमें सबसे पहले क्या हुआ, उसने प्रॉफिट कमाया 40%, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 40x, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब 10% ऑफ द प्रॉफिट इज पेड एज इंटरेस्ट, अब इसके बाद इंटरेस्ट उसने कितना दिया, 4x, इसका 10% प्रॉफिट का। अब उसके बाद उसने क्या किया,
दैट कंपनी हैज 20% ऑफ द नेट इनकम इज पेड एज टैक्स, और टैक्स के रूप में उसने कितना दिया, नेट इनकम का, नेट इनकम उसकी कितनी हो रही है, यहां से देखो इंटरेस्ट दे दिया तो 36x हो रही है ना, और 36x का क्या निकालना है मुझे, 20% निकालना है, तो 36x का 20% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.2x। क्लियर है बात आपको, सिंपली निकाल सकते हो ना, अब क्योंकि 10% 3.6 होगा तो 7.2 हो जाएगा। अब उसके बाद उसने क्या कहा है कि 80% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज क्रेडिट इनटू कंपनीज अकाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट क्या हुआ भाई, टैक्स 7.2 दे दिया 36x में से, तो अब रिमेनिंग कितना बचेगा, तो रिमेनिंग देख लो, रिमेनिंग तो 36x माइनस 7.2x, इसको माइनस करोगे तो आपका निकलेगा यहां पर कितना, अगर मैं देखूं तो 28.8x ये रिमेनिंग निकला। इसका 80% किसको दे दिया, कंपनी के अकाउंट में जमा कर दिया, तो इसका 80% निकाल दो, तो कंपनी के अकाउंट में कितना चला गया, कंपनी अकाउंट इसमें चला गया 28.8x, ठीक है। इसका भी कितना निकाल दो, 80% 0 0 कैंसिल, ये वाला 0 है, ये 4 बचेगा, यहां 5 बच गया, 5 से इसको कैंसिल करो तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 32 2 3 बचेगा, और 8 4 32 और 3 35 5 3 बचेगा, 4 और 2 8 और 8 और 3 12, फिर से देख लो, 8 4 32 2 3 बचेगा, 8 4 32 और 5 3 बचेगा, 4 और 2 8 11.52, तो ये आ जाएगा हमारा इतना, डिवाइड इसको 5 से कर दो, कितना आ जाएगा, 5 और 2 10, 5 2 10, 5 3 15.04, तो ये इतना कंपनी के अकाउंट में जमा होगा। क्लियर है बात आपको, अब देख इतना बात समझ में आ गई, अगर इतना कंपनी के अकाउंट में जमा हुआ तो आगे क्या कहा गया है वो देख लेते, पॉइंटर दूसरा ले लेते हैं। हाँ, अब आगे उसने कहा है शेष धन का 50% कंपनी के अन्य व्यय के लिए, यानी कि अब शेष धन कितना बचेगा, यानी कि भाई सीधी सी बात है, आपने क्या क्या कर दिया, आपके पास बचा था 36x, आपके पास कितना बचा था, आपके पास 28.8 बचा था ये, अब इसमें से भी आपने कंपनी के अकाउंट में दे दिया 23.04, अब 23.04 दे दोगे तो बचेगा कितना यहां से, तो इसको आप अगर 80 मान लोगे तो 0.76 और 23 इसमें से और चला जाएगा तो 5.76 इतना बचेगा कि नहीं। अब इसका भी 50% किसी और एक्सपेंडिचर पे तो बचेगा 50%, तो हमारे पास जो कंपनी के अन्य एक्सपेंडिचर पे जो दिया कितना दिया, अदर एक्सपेंडिचर, वो दिया 5.76, ठीक है। इसका 50% यानी कि 1/2 करो दो और फिर से करो 8 पर दो 2.82 आ गया। क्लियर है बात आपको, अब यहां से एक फिर से देखो 8 2.88, एक बात बताओ कि 2.88 इसका किसको अन्य व्यय पे खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग हमारे पास अब कितना बचा, 2.88 बचा ना, तो 2.88x की वैल्यू हमको कितनी दी गई है डियर, हमको दी गई है 1728 इंटू 2500। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि एक एम्प्लॉय का 1728 है तो 2500 का मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे एम्प्लॉय का आ गया, तो 100x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1728 इंटू 2500 डिवाइडेड बाय 2.88, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो जीरो हटेगा तो दो जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 288 को अगर मैं इससे करूं देखो कितनी बार जाएगा, 8 का कब 8 बन रहा है ये देख लो, 8 करने पर 8 दूनी 16 6 बन रहा है, 3 करने पर 4 बन रहा है, 4 करने पर नहीं बन रहा है, 5 करने पर नहीं बन रहा है, 6 करने पर बन रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 288 को 6 से करें तो कितना आ रहा है क्या देख लेते हैं, 6 से अगर मैं इसको यहां करके देख लेता हूं अलग कोने में, क्योंकि आपको ये पता है ना कि कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं है, आपकी वैल्यू जो आ रही है वो पॉइंट में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा होगा, तो देखो 6 से करके देखो 8 4 बचेगा
दो बचेगा आगे, यानी कि ये कितनी बार कैंसिल हो गया, ये सिक्स टाइम कैंसिल हो गया, और 25 का सिक्स में करेंगे तो 150, और बाकी जितने भी जीरो हैं उतने लगा दो आप, 1, 2, 3, 4, तो ये हमको जितने भी जीरो हैं आपको 15 दिख गया ना, तो सीधा सीधा हमारा आंसर कितना आ गया, 15 करोड़ हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से आपको करना था। अब मैं आपको एक चीज यहां समझाता हूं, ये जो मैंने इतने अलग लिखे हैं ना, टैक्स इतना बचा, रिमेनिंग इतना बचा, इतना निकाला, ये सब किया, ये भी करने की जरूरत नहीं थी अगर आप थोड़े से स्मार्ट होते तो, ठीक है, ये भी करने की आपको कोई विशेष जरूरत थी नहीं अगर आप थोड़े से यहां पर स्मार्टनेस दिखा लेते अपनी तो। क्लियर है बात आपको, समझ में आ रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक बीइंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 10.5% टू 18% एंड द टाइम ड्यूरेशन आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 4.5 ईयर टू 7 ईयर, द टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज इंक्रीज्ड बाय ₹1,250, फाइंड द इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन को करने को कुछ नहीं करना है आपको, टाइम की बात करें अगर हम तो टाइम पहले 4.5 था, नाउ बिकम्स 7, और अगर मैं बात करूं यहां पर रेट की तो रेट पहले हमारी थी 10.5 और नाउ बिकम्स 18, ठीक है। अब मैं यहां पर देखूं तो यहां पर आ गया 4.5 इंटू 10.5 रेशियो 7 इंटू 18, तो रेशियो में बात कर सकते हैं ना, तो 9 से कैंसिल करो, 9 और 2 18 और 9 और 5 45, अगर मैं इसको हटाऊं पॉइंट को और इसको पॉइंट को हटाऊं तो इधर हमारे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100 हो जाएगा। अब मैं 5 से इसको कैंसिल करूं तो ये 20 आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी आपको। अगर मैं यहां से देखूं तो ये लिखा हुआ है, अगर मैं 7 से कैंसिल करूं तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 15 हो जाएगा। अगर मैं 5 से कैंसिल करूं तो ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। नाउ रेशियो बिकम 3:8। अगर पहले हमारा टोटल इंटरेस्ट 3 था तो अब 8 है, तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। 5 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1250 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 250 दी गई है। नाउ 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि बड़ा हुआ पूछा है, तो ये हो जाएगी हमारी ₹2,000। नाउ 2000 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन हमारा ए क्या होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, गॉट इट, समझ पा रहे होगे आप लोग इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर, लेस देन इट वुड हैव टेकन 72.5 आवर्स टू कवर 140 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करेंगे तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है ये हमारा स्ट्रीम है और ये हमारी नाव है, तो अगर दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो नाव ये होगी हमारी डाउन स्ट्रीम। अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो इसका मतलब है कि ये हमारा स्ट्रीम है यानी कि वाटर बोलते हैं, इसके ऊपर अगर ये हमारा नाव है, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, अपस्ट्रीम बोल देंगे। क्लियर है बात आपकी। तो यहां से देखो, अगर बोट में से वाटर को प्लस कर देंगे तो ये बनेगा हमारा डाउन स्ट्रीम, और बोट में से माइनस कर देंगे वाटर को तो ये बनेगा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कितना दिया, 140/72.5 किलोमीटर पर आवर्स, इसको सॉल्व कर दो तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, तो ये बनेगा 2 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर है इतनी बात आपको। ये कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर्स माइनस 2, क्योंकि उसने क्या बोला है कि द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर्स लेस देन इट वुड हैव टेकन 72.5 आवर्स टू कवर 140 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में जितना लग रहा है उतना कम है ये 20 किलोमीटर से, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 18 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात आपको। अब मुझे निकालना किसकी वैल्यू है, वाटर की वैल्यू निकालनी है, तो वाटर की दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड किया 20/2, नाउ आंसर बिकम्स 10 किलोमीटर पर आवर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोगों को तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे समझिए। ट्रेन ए क्रॉसेस 450 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 42 सेकंड एंड द ट्रेन आल्सो क्रॉसेस ए मैन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर्स इन 12.5 सेकंड। इतने क्वेश्चन को पढ़ के लिख लो। उसने हमसे बोला क्या है, ट्रेन क्रॉस 450 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, यानी कि एक ट्रेन है उसकी डिस्टेंस को हम मान लेते हैं डी है, और 450 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, इसे वो क्रॉस करती है तो उसे 42 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। कितने का समय लगता है, 42 सेकंड का। तो अगर मैं यहां से ट्रेन की स्पीड देखूं
तो ये हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 42। क्लियर। अब यहां से आगे पढ़ो, उसने बोला है कि 12.5 सेकंड में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने पर एक व्यक्ति को पार करती है ट्रेन। तो यहां पर अगर मैं डिस्टेंस बात करूं ट्रेन की डिस्टेंस की बात करूं, तो वो 12.5 इंटू 12 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन, ये होगी कि नहीं। ठीक है, क्लियर है बात आपको, यहां तक तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब एक चीज देखो यहां से, कि यहां पर अगर मैं इसको इक्वल रखना चाहूं तो इसको इधर ले जाऊं, तो यहां से अगर मैं d बराबर निकालना चाहूं तो ये हमारा कितना निकलेगा, 42 इंटू टी स्पीड माइनस 450। इन दोनों को इक्वल रख दो, क्योंकि यहां से भी ट्रेन की डिस्टेंस, यहां से भी ट्रेन की डिस्टेंस, तो ये निकलेगा हमारा कितना, 42 इंटू टी स्पीड माइनस के 450 इक्वल टू 12.5 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन 18 प्लस टी स्पीड। ठीक, तो ये कितना बनेगा, 10 अपॉन 3। तो यहां से देखो, तो ये 42 टी एस माइनस के 450 इक्वल टू 12.5 का मल्टीप्लाई कर दो, 12.5 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 12.5 इंटू टी स्पीड। ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये कितनी बार जाएगा, कैंसिल ही नहीं होगा, तो इसको 3 को यहीं रहने दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, आप इसे सॉल्व कर दो, तो 42 टी एस माइनस के 12.5 टी एस इक्वल टू 125 अपॉन 3 प्लस 450। क्लियर है बात इतनी। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 12.5 इसमें से जाएगा, तो कितना बचेगा, 30, यानी कि 29.5। ठीक है, 29.5 टी एस इक्वल टू, यहां से अगर हम इसे देखें तो कितना बनेगा, 125 प्लस 45 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1350 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं यहां से देखूं, इसको यहां समझा देते हैं अब आपको, अगर मैं यहां से देखूं तो ये टी एस इक्वल टू कितना निकलेगा हमारा, इसको हम ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये बनेगा 1475 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 29.5। पॉइंट हटेगा तो ऊपर भी जीरो चला जाएगा ये। अब मैं 5 से कैंसिल करूं तो यहां 2 आएगा, और इसे 5 से करूं तो ये 5 आएगा, और ये 9 आएगा, 59 आ जाएगा। अगर मैं 59 से कैंसिल करने जाऊं, ये अगर देखूं 3 से कैंसिल होगा क्या, देख लेते हैं एक बार हम, 4 1 5 5 5 10 नहीं होगा। 59 से अगर मैं इसे कैंसिल करने जाऊं तो क्या होगा, तो अगर मैं 59 से करूं तो दो बार जाएगा पहले, तो कितना बन जाएगा, 118 बन जाएगा। ठीक है, 118 बनने पर हमारा कितना बचेगा, 29, यानी कि 295। और 295 का मतलब कितना है, कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5, तो ये 25 टाइम कैंसिल हो गया। अब 25 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो टी एस इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 50 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, अगर किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे इसको, 18 अपॉन 5, तो ये 3 से ये 6 आ जाएगा, और ये 5 से ये 10 आ जाएगा। नाउ 60 किलोमीटर पर आवर्स इसकी क्या निकल के आ गई, स्पीड निकल के आ गई टी एस। क्लियर है इतनी बार। अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालना चाहूं तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, हम यहां रख देते हैं वैल्यू इसमें, तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 12.5 सेकंड है, या यहां रख दो, एक ही बात है, यहां रख दो। तो यहां अगर हम रख देंगे तो ये डी इक्वल टू हमारा कितना निकलेगा, नहीं पता हमको, डी निकालना है हमको। ठीक है, स्पीड हमको पता है कितनी दी गई है हमको, हम मीटर पर सेकंड में लेकर चलेंगे तो 50 अपॉन 3 दी गई है, और प्लस के 450 दिया गया है, और डिवाइडेड बाय 42 दिया गया है। अगर मैं 3 से कैंसिल करूं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, और 14 से करेंगे तो ये 700 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा डी प्लस 450। और डिस्टेंस इक्वल टू अगर मैं देखूं यहां पर, तो डिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 350।
क्लियर है इतनी बात आपको? यानी कि हमको एक बात पता चल गई, सॉरी एक मिनट रुकना, 250 डिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आ गई, 250। ये किसकी निकल के आ गई, ट्रेन की डिस्टेंस निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ट्रेन ए क्रॉस अनदर जेड मीटर की लॉन्ग ट्रेन बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन 24 सेकंड। तो देखो अब क्या हो रहा है कि ये क्रॉस कर रही है 250 को, और दूसरी है वो जेड लंबाई की है, और क्रॉस करने में जो ये तो डिस्टेंस हो गई, और क्रॉस किस स्पीड से कर रही है, तो स्पीड हमारी हुई 30 प्लस 60, और टाइम कितना लग रहा है इसको, 24 सेकंड। तो 24 सेकंड को हम आर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 कर देंगे। क्लियर है बात आपको? अब देखो यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हमारा बनेगा 250 + z / 90, 5/80 कर देंगे तो किलोमीटर पर आर्स में आ जाएगा, तो इसको हम 24 ही ले लेंगे। तो ये 18 से करेंगे 5 आ जाएगा, और यहां से अगर मैं करूंगा तो 250 + z और ये 25, तो ये हो जाएगा 24 × 25। क्लियर है बात आपको इतनी? तो z = आ जाएगा हमारा, 25 से 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 25 × 4 = 10 कैरी, 25 × 50 = 60 = 600, और -250। नाउ z = निकल के आ जाएगा 350। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ आपका कैलकुलेटिव था, लॉजिक लगाना था, दो तीन चीजें आपको टाइम एंड डिस्टेंस की पूरी समझ होनी चाहिए इसमें, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं था। आप एक बार और समझिएगा उस क्वेश्चन को, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किया क्या इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और जैसा कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस सेशन में, बढ़िया बढ़िया मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और आगे फिर आपके नेक्स्ट सेशन आते रहेंगे, और भी कोई सीरीज आएगी तो आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।